आप कह लें कि एक सेलिब्रिटी है, उसके बहुत से फैन हैं, उसका एक फैन है वो चाहता है कि ये जो सेलिब्रिटी है मेरा दोस्त बन जाए। तो अगर हमने अल्लाह का दोस्त बनना है और अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारा दोस्त बने, तो जिस तरह वो सेलिब्रिटी की कुछ शरायत होंगी उस फैन के लिए कि जी तुम ये काम करो तो मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा, तो वो फैन जो होगा वो सेलिब्रिटी के से दोस्ती करने के लिए हर उसकी शर्त मानेगा, हर बात मानेगा उसकी। तो इसी तरह अगर हमने अल्लाह से दोस्ती करनी है, हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारा दोस्त बने, तो हमें वो काम करने होंगे जो अल्लाह को पसंद है, और वो उन कामों से अपने आप को बचाना होगा जो अल्लाह को पसंद नहीं है। और उसमें अल्लाह को सबसे ज्यादा जो है वो शिर्क और उसकी इकसाम, हमें उससे बचाना है। जब हम अपने आप को शिर्क और उसकी इकसाम से बचाएंगे तो अल्लाह हमसे बहुत खुश होता है, क्योंकि हम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं इस तरह कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। तो जब हम उसकी इस तरह से की पाकी बयान करेंगे तो अल्लाह जो है वो फिर हमारा दोस्त बन जाएगा, हमारी मदद करेगा और हमें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ेगा।